बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आप सबका जे के प्राइम मीडिया में और मैं आपकी मेज़बान मायमुना हसन। नाज़रीन, आज सीनेचर 10 अप्रैल 2022, 7 रमज़ानमबारक 1443 हिजरी और मैं पेश कर रही हूँ मुकामी अखबार की सुर्खियाँ। सबसे पहले नज़र डालते हैं खास खास सुर्खियों पर। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का संग बुनियाद, शहरों की जमा तरक्की का मिशन, खिदमात में बेहतरी और साफ सुथरा माहौल तरजीह, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी साजिश केस, 25 अफराद के खिलाफ दिल्ली में चार्जशीट पेश। भारत को सिर्फ मोहब्बत बचा सकती है, मरने से पहले ऐसा भारत देखने की तमन्ना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ट्रक ने 3 मुजाहिरीन को रोन डाला, मियाँ बी और बेटा मोटरसाइकिल हादसे का शिकार, उधमपुर में 2 हादसा, 6 अफराद लुकमाया जल। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन दुरखुशान द्राबी का ओहदा वजीर ममलिकत के बराबर। इमसाल अमरनाथ यात्रा का पुरअमन इनेकाद, मरकजी वजारत दाखिला मुतहरक, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान मरतब देने की हिदायत। 40,000 से ज्यादा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और नीम फौजी दस्तों से अहलकारों को तैनात किया जाएगा। कोरोना बंदिशों के 2 साल बाद माह रमजान के पहले जुमा पर वादी बर में रूह परवर इज्तिमाआत, दरगाह हजरत बल जामे मस्जिद समेत वादी की दीगर इबादत गाहों की रौनक फिर लौट आई। हजारों फर्जंदान तौहीद ने बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर गुनाहों की मगफरत तलब की। जम्मू और कश्मीर में न्यूज मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं, वादी में हुकाम के जरिए मीडिया वालों को हरासा करने की कोई मिसाल नहीं, अनुराग ठाकुर। कहा सिक्योरिटी इदारे मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मलवस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के पाबंद। जम्मू और कश्मीर में तरक्की और तब्दीली के लिए 2022-23 का बजट, नौजवानों से मुतलक सरगर्मियों में 312 करोड़ रुपये मुख्तस करने से बजट नौजवानों को बाख्तियार बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। वादी में कोरोना के सिर्फ 9 नए मामला दर्ज, जम्मू में तीसरे रोज भी कोई केस नहीं, 7 अजला ने महलक वायरस को शिकस्त दी, दीगर 13 में 167 फ़ाल मामला। भारत में 1109 मुतासर, 43 अमवात, फ़ाल केसेस की शरह 0.03%, शफायाबी की 98.6%। शहरी और इफ्तार के दौरान वादी के बेशतर इलाकों में बिजली और पानी की अदम दस्तियाबी, मुतबरक आयाम में सहूलियात बहिम पहुंचाने के सरकारी दावे बेबुनियाद। ट्रैफिक निज़ाम में खामियों की वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात, ओवरलोडिंग और ट्रैफिक जामिंग की वजह से मुसाफिरों को परेशानियों का सामना। रंगजिबुल खान साहब में बुनियादी सहूलियात का फुकदान, लोग परेशान, इंतजामिया खामोश तमाशानी, इलाके में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने, सड़क की मरम्मत और लोगों को तबी सहूलियात बहम पहुँचाई जाए बढ़ाना। बच्चों में नफसियाती बीमारी स्किमिस बिमना के शुबा, नफसियात के 18 स्कूलों के 600 बच्चों पर तहकीक, 27% कश्मीरी बच्चे शदीद जहनी दबाव और नफसियाती तनाव के शिकार, 33 बच्चों में किसी खास चीज़ का डर, 26% में बेकरारी, 21 में समाजी खौफ, 17 में तन्हाई का खौफ। महकमा दही तरक्की के जानिब से पखरपुरा में गाड़ियों के लिए पार्किंग का इफ्तिताह किया गया, लोगों ने किया ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पखरपुरा का शुक्रिया अदा। जम्मू कश्मीर के हर बेघर कुंबे को पक्का घर फराहम किया जाएगा, मरकजी सरकार मुल्क के हर शहरी को बेहतर सहूलियात फराहम कर रही है, वजीर आजम। इसी के साथ अपने मेज़बान मायमुना हसन को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।